हाई एवरी वन वेलकम बैक टू दिस चैनल माई नेम इज़ कृतिका एंड दिस इज़ ओ टू आई एस अकेडमी तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी ड्रॉ सीरीज़ के साथ में ये उनको बेनिफिट करेगी जो आने वाला एच एस एग्जाम देने वाले हैं एन टी देने वाले हैं बिकॉज इसमें हम लोग डेली रिविजन कर रहे हैं आ, साथ में इंक्लूडिंग हिमाचल के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री नहीं डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल बेसिकली जैसे आज हम डिस्ट्रिक्ट चंबा का जोग्राफी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इससे पहले हमने कांगड़ा कवर किया आ, उसके भी सारे इकोनॉमी हिस्ट्री जोग्राफ़ी और आपका आर्ट एंड कल्चर है ये सारे जो हैं पर्सपेक्टिव्स किए तो पिछले कल हमने आर्ट एंड कल्चर किया था चंबा का उसका भी साथ साथ में मैंशन करेंगे तो और साथ में जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे बाय दी एंड ऑफ इट आई हैव अ लॉट ऑफ मैप्स जो मैप्स क्योंकि हम पासिस पढ़ेंगे रिवर्स पढ़ेंगे उसके लिए मैप्स बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आपके क्वेश्चन देख लेंगे एंड बाई दी एंड जो है सारे के सारे जो मैप्स हैं उसमें मैं एग्जैक्टली exactly आपको रिवर्स uh, और पासेज इन सब के कोर्सेज बताऊँगी ठीक है आने वाले टाइम में आप कोई भी वीडियो मिस ना करें इसके लिए डू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल और अगर इन लेक्चर्स की पी आपको चाहिए जो बाद में आपको हेल्प करेंगे तो वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और वहाँ पर एक कोर्स है जिसका नाम है एच पी एस टेस्ट सीरीज़ इसके कंटेंट सेक्शन में जाके फ्री रिसोर्स नाम का एक फोल्डर बना हुआ है वहाँ से आप ये सारे के सारे पी डाउनलोड कर सकते हैं अपने बाद में पढ़ने के लिए ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनको करेक्टली मैच करना है मैच द फॉलोइंग वाला एच काफी सारे इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्टली पासिस के ऊपर पूछा गया है चंबा के तो एक है आपका धारती पास बसादन पास जलसूका जोत और इंद्रहार पास इनको हमें सही जो है मैच करना है चंबा पांगी चंबा और कांगड़ा के बीच में कौन सा है चंबा भतियात को किससे जोड़ता है और भरमौर और कांगड़ा सो so, अगर मैं ज़्यादा जल्दी चलूँ तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो अपने हिसाब से वक्त लेके आंसर दे सकते हो और फिर आगे एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो ठीक है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी सी सो यहाँ पर जो फर्स्ट है आपका वो चंबा और पांगी को कनेक्ट करता है नेक्स्ट कम्स बसादन पास तो वो चंबा को भतियात के साथ में जोड़ता है जलसू का जोत ये आपका कम चंबा और कांगड़ा को कनेक्ट करता है एंड द लास्ट वन इज इंद्रहार तो ये भरमौर को कांगड़ा के साथ में कनेक्ट करता है अगेन अब ये पासिस हैं इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं मैं आपको कुछ स्पेशल करके नहीं दिखा सकती हूँ ये दे आर लाइक अ लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा इधर यू हैव विजिटेड देम या फिर आपने मैप में अगर इनको बनाया हुआ है देन ओनली यू विल रिमेंबर देम तो ये आपके चंबा के कुछ पासिस हैं नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स आर लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट सो चैडविक देन कम भक्सुनाग सुला सतधारा या फिर धानचो इनमें से कौन से वाटरफॉल्स चंबा में लोकेटेड uh, हैं तो इसको थोड़ा सा और किसी तरीके से एलिमिनेशन से भी करने की सोच सकते हैं जैसे कि आपका आ गया चैडविक फॉल्स कहाँ पर है ये आपको पता है शिमला में है दिस इज़ अ वेरी फेमस वन ये हम लोग जब टूरिज़्म में पढ़ते हैं तो टूरिस्ट जो आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो क्या है यहाँ पर आम्बियांस लाना चाहता है तो ट्राई कर रहे हैं कि क्योंकि बहुत थोड़ा सा नीचे जाके हैं तो ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा टूरिस्ट स्पॉट बना सकें दूसरा आ गया भक्सुना अगेन ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है है ना फेमस क्यों है ये बिकॉज़ uh, ये आपका मिकलोडगंज में है धर्मशाला में हैंस इट्स अ वेरी लाइक फेमस वाटरफॉल देन आ गया आपका सलाह या सुला तो ये आपका कांगड़ा में है अगेन अब अगर आपको एक दो भी पता है तो एक इसमें भी है दो इसमें भी है सो द करेक्ट आंसर बिकम्स फोर एंड फाइव सो इस तरीके से एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करनी है एंड सतधारा एंड थांचो, ये दो जो वाटरफॉल्स हैं ये कहाँ पर हैं? आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में मूविंग फॉरवर्ड आर थर्ड क्वेश्चन चंबा वैली के ऊपर पूछा गया है कि इसको हम मिल्क वैली ऑफ मिल्क एंड हनी भी कहते हैं नेक्स्ट आ गया शिप्टिंग पास भरमौर और लाहौल को जोड़ता है और चंबा वैली को हम जानते हैं चेनाब वैली के नाम से भी सो so, इसमें से आपके कौन से आंसर जो है वो करेक्ट हैं कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वन एंड टू टू एंड थ्री वन एंड थ्री या फिर ऑल ऑफ सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी One and two only. जो पहले दो हैं वो आपके बिल्कुल से actual में दो नदियां पास करती है. एक है आपकी चेनाब और एक है आपकी रावी तो ये जो चंबा वैली है इसको हम रावी वैली के नाम से भी जानते हैं अदर देन चेनाब चेनाब तो ऊपर से जाती है लास्ट में अगेन मैं आपको मैप्स दिखाऊंगी और इसको हम वैल्यू ऑफ मिल्क एंड हनी क्यों कहते हैं फॉर इट्स रिच आर्ट एंड कल्चर चाहे वो पेंटिंग्स हैं टेंपल्स हैं ब्यूटीफुल लेक्स हैं सीनरीज हैं तो इस तरीके का जो जोग्राफिकली और आपका आर्ट एंड कल्चर में ये रिच है इसी की वजह से इसको मिल्क हनी भी कहा जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ये आपका ह्यूमन जोग्राफी में से पूछा गया है तो दो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से आपके करेक्ट कौन से हैं पहला आ गया अमंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हमीरपुर हैज the highest लिटरेसी एंड चंबा हैज the लोएस्ट लिटरेसी रेट दूसरा स्टेटमेंट है चंबा डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो है पूरे स्टेट में सो कौन सा इसमें से करेक्ट है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है लिटरेसी रेट जो है चंबा का सबसे कम है दैट इज 72.17 परसेंट और अगर हम देखें हाइएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो तो वो किसका है वो है लाहौल एंड स्पीति का अगेन जब हम ये बात करते हैं तो हम किसका डेटा ले रहे हैं दैट इज़ सेंसस जो 2011 की जनगणना थी उसमें से ये डेटा लिया जाता है उसी को मान्यता दी जाती है इसके बाद में भी बहुत सारे सोर्सेज आए हैं जैसे ये 1013 जीरो फीमेल्स पर थाउजेंड है तो वहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ फैमिली फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसका भी डेटा आया है उसमें अगेन हमें वरीसम देखने को मिलता है कि हिमाचल का सेक्स रेशो ठीक नहीं है तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे आपके सोर्स को जरूर कोट किया जाएगा वहां पे लिखा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू देंसेस ऑफ टू थाउजेंड एलेवन या फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग तो उस तरीके से राइट और नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है पहला स्टेटमेंट है मैंथोसा इज द हाइस्ट पीक ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट सेकेंड वन इज चसक बटोरी इज द हाइएस्ट विलेज ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड द लास्ट वन इज सलूनी वैली ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर ट्रेडिशनल मेज वेराइटी तो इसमें से आपका कौन सा सही है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी आपका थर्ड इज इन करेक्ट वन एंड टू वन एंड टू सी इसका सही आंसर रहेगा अभी क्या है जो हाईएस्ट पीक है ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहती है क्योंकि हिमाचल की अगर हम बात करेंगे सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है शिला है रियो परगिल है तो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये राइज कर रही है या नहीं कर रही है बट अगेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो हमारा बलोकरा ही है तो हम उसी को कंसीडर करते हैं यूजुअली ऐसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते कंट्रोवर्शियल जैसे जो होते हैं लेकिन फिर भी हमें क्या करना है हमें बलोकरा को ही फॉलो यहाँ पर करना है देन वी टॉक अबाउट द थर्ड ये थर्ड गलत क्यों है ये जो सलूनी वैली है ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है पहली बात और ये मेज़ की वैरायटी के लिए फेमस है और न्यूज़ में भी थी न्यूज़ में क्यों थी क्योंकि ये मांग रहे हैं जीआई टैग ये कहते हैं कि हमारी जो मेज़ वैराइटीज़ हैं ट्रेडिशनल मेज़ वैराइटीज़ वो कुछ इस तरीके की यूनिक हैं यानी कि बहुत सारे न्यूट्रेंट्स हैं फाइबर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं Uh, उनकी वजह से यूनिक है जो इसके जिसकी वजह से ये जी टैग की मांग करते हैं चंबा थाल के साथ में इसका नाम लिखा गया था तो आपको पता होना चाहिए कि सलूनी uh, मेज और आपका सलूनी वैली ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सिक्स क्वेश्चन दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है तो पहले आ गया द फेमस रेंजेस ऑफ लेसर हिमालयाज आर पीर पंजाल एंड धौलाधार एंड द नेक्स्ट वन इज़ चीनी चाबिया और फूगती पास ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट को uh, के फेमस पासिस हैं जो कि आपके आउटर हिमालज में हैं तो कौन सा इसमें से करेक्ट है वन टू बोथ या फिर नीदर वन नॉट टू सो इसका सही आंसर क्या होगा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट है आउटर नहीं ये ग्रेटर ग्रेटर हिमालज के आपके पासज हैं अभी इसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा तो ये हम प्रॉपर फिज़िकल जब आपकी जोग्राफी पढ़ते हैं उसमें हम लोग देखते हैं हिमाचल में सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट रख रक, याद रखना होता है कि कौन से पासिस कौन सी रेंजेज में और कौन से हिमालयस में आपके लाइक करते हैं तो ये आपके ग्रेटर हिमालयस में लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा एट्थ क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है सो नॉट ट्रू पूछा गया है चोबिया पास लाइज बिटवीन भरमोर एंड लाहौल नेक्स्ट इज कलीचो इज़ द फेमस लेक ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट इज गां सेंचुरी ये आपकी हिमाचल की इकलौती सेंचुरी है जिसमें कश्मीरी स्टैग को यहाँ पर रिपोर्ट किया गया या फिर इसको जो है स्पॉट किया गया so, सो इसमें से कौन सा आपका यहाँ पर नॉट ट्रू है इनकरेक्ट है सो so, इसमें से जो सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज़ इनकरेक्ट वन एंड थ्री आर करेक्ट तो चोबिया पास जो है आपका भरमौर को लाहौल के साथ में जोड़ता है ये जो कलीचो है ये आपकी आपका फेमस पास है ना कि लेक यह आपकी एक फेमस पास है जो कि लाहौल को भरमा भरमौर के साथ में जोड़ता है एंड गामगुल जो है सेंचुरी uh, है जहां पर कश्मीरी स्टैग को कश्मीर स्टैग को देखा गया फिर आता है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन एलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस ने रावी रिवर को कौन सा नाम दिया अगेन दीज आर टर्की देन इज हाइड्रेस्टर इरावती इरावती या मसांग सो कौन सा इसमें से सही है सो दिकारेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी हाइड्रेस्टर ठीक है अभी क्या है हम किस तरीके से किसे नाम देखते हैं आपके वैदिक नेम रिवर के संस्कृत नेम और ग्रीक नेम ये इंपॉर्टेंट रहते हैं जैसे रावी की जैसे हम बात कर रहे हैं तो रावी का वैदिक नाम है पुरूषनी संस्कृत नाम है ईरावती और ग्रीक नाम जो है वो हाइड्रेस्टर है, है उसी तरीके से और रिवर्स के जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं तो उनको भी एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख कर जाना है राइट आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ क्वेश्चन तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और कार्य पूछा गया है गड़ासरू लेक इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट चंबा फिर आता है आपका वरुपास जो धर्मशाला को कुल्लू से जोड़ता है एंड द लास्ट वन इज पादरी जोत एक डिस्प्यूटेड बाउंड्री डिस्प्यूट है हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में पादरी ज्योत को लेकर सो so, इसमें से आपके कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं सो so, यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट सही है जो आपका पास है या वारु पास है ये धर्मशाला को चंबा से जोड़ता है पादरी जोत की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपका सलूनी सब डिविज़न है उसको क्लेम करता है हिमाचल की ये हमारा है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ पर धीरे धीरे एडवांसमेंट कर रहा है या, या फिर यहाँ पर जो है बेसिकली क्लेम का ये इशू है जो थोड़ा सा डिस्प्यूट हमें करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था कि इसमें देखने को मिला नेक्स्ट आ गया हमारा इलेवेंथ क्वेश्चन सो ये बहुत बार पूछा जाता है अगर आप काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं इट्स अ वेरी इजी वन फॉर यू चंबा की खजियार लेक को मिनी स्विट्जरलैंड का जो ये टाइटल है ये किसने दिया था मूर क्राफ्ट लॉर्ड एल्गिन लेडी एशिंग डे एंड द लास्ट वन इज विली पी ब्लेजर सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज विलीपी ब्लेजर अभी यहाँ पर आपकी खजियार लेक बहुत ही खूबसूरत है और अगेन uh, एक पहली जगह नहीं है जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा गया है वन सिक्सटियथ पूरे वर्ल्ड में वन सिक्सटियथ स्पॉट पर ये है जिसको अभी क्या है मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा गया एक और चीज़ के लिए फेमस है इसके किनारे ये पंच पांडव ट्री लगा हुआ है जिसमें से पांच आपके ट्रंक निकल कर आते हैं और माना जाता है ये जो पांच भाई हैं पांच पांडव थे उनको रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो यहाँ पर विजिट किए थे जब उनका क्या जो है अज्ञातवास चल रहा था राइट और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न से खजियार का डिस्टेंस जिसके ऊपर लिखा हुआ है दैट इज सिक्स वन नाइन फोर किलोमीटर्स आगे बढ़ते हैं आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर नॉट लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट गांती सेचू तो आनाला तुंदा या कास सो वॉट विल बी द करेक्ट आंसर हमें पता है ये तो है ठीक है और कौन सी नहीं है कुगती भी है सेचुतुआ नाहला भी है एंड टुंडा सेंचुरी भी है ये जो लास्ट है कायज सेंचुरी ये कहाँ पर है ये अगेन आपकी कुल्लू में है अब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके बलोखरा में साफ साफ दिए हुए हैं इनका जो सोर्स है वो बलोखरा ही है अगेन राइट और नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टीन क्वेश्चन तीन आपके पास में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा है कौन सा करेक्ट है तो इनकरेक्ट पूछा गया है ठीक है पहला है कि चेनाब ड्रेन्स होल ऑफ चंबा वैली बिटवीन धौलाधार एंड पांगी रेंजेस नेक्स्ट इज रावी को ईरावती और रोती के नाम से भी जाना जाता है अपर एरियाज में और जो सियल है वो आपकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की सो so, इसमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट <coughs> है सो so, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट जो चंबा वैली में से मैंने आपको पहले भी बताया था चंबा वैली को हम रावी वैली के नाम से भी जानते हैं एंड चेनाब ड्रेन नहीं करती इसको रावी ड्रेन करती है रावी को रीचेज में ईरावती भी कहा जाता है जो इसका संस्कृत नाम भी है ठीक है और स्यूल जो है इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी रिवर्स भी रिवाइज हो जाएंगे और चंबा में से कैसे कैसे गुजरती हैं वो भी आपको पता चल जाएगा चेनाब चंबा में एंटर करती है थिरोट से और चंबा और कुल्लू के बीच में बाउंड्री बनाती है चंबा नाला and after completing its course, enters पंजाब। so, कौन सा इसमें से आपका करेक्ट यहाँ पर है सो so, आपके दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर इनकरेक्ट, ठीक है जो पहला स्टेटमेंट अगर मैं देखूँ चेनाब चंबा में थिरोट से एंटर करती है लेकिन वो चंबा और कुल्लू के बीच में नहीं चंबा और लाहौल के बीच में बाउंड्री बनाती है फिर हम बात करें लीव कहाँ से करती है तो संसरी नाला से लेकिन वो पंजाब में एंटर नहीं करती वो कहाँ करती है वो आपके पाकिस्तान में एंटर करती है किश्तवाड़ से आउटर हिल्स ऑफ जम्मू की टेरिटरी से होते हुए वो आगे चली जाती है ठीक है फिर आ गया हमारा फिफ्टींथ क्वेश्चन अभी धीरे धीरे मैप्स भी दिखाना शुरू करती हूँ तो पहला क्या है हमारा कि चंद्रभागा राइज करती है लाहौल रोहतांग पास में लाहौल से नेक्स्ट इज चंद्रभागा मिलती है टांडी में एंड फॉर्म चेनाब एंड द नेक्स्ट वन इज मियार एंड साइचुनाला आर द मेन ट्रिब्यूट्रीज ऑफ रावी रिवर कौन सा इसमें से करेक्ट है सो so आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज द ओनली वन जो इसमें से करेक्ट है ये आप थोड़ा सा मैप जो है यहां पर देख सकते हैं ठीक है थीके? पहली बात रोहतांग पास लाहौल में नहीं है और वो बारह लाछा अच्छा पास से यहाँ से चिनाब जो है आपकी बहती हुई जाती है चंद्रा जो है यहाँ से आती है भागा यहाँ से आती है और टांडी में वो मिलते हैं फिर यहाँ से होते हुए वो उदयपुर में इससे मियार नाला मिलता है और इस तरीके से संसरी नाला से वो आपके चंबा में चंबा डिस्ट्रिक्ट में है ना भी ये तो चंबा से क्या बाहर निकल जाती है सो जो, जो मियार और सैचू हैं वो अगेन इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं नेक्स्ट क्स्ट सिक्सटींथ क्वेश्चन सिक्सटीन क्वेश्चन रिवर्स के ऊपर ही है जो चंबा में बहती है पहला आ गया रावी रिवर फ्रॉम बड़ा बंगाल राइजेस फ्रॉम बड़ा बंगाल एंड मर्जेस विद चेनाब इन पाकिस्तान फिर आता है चेनाब जो है सबसे बड़ी रिवर है अगर हम वॉल्यूम की बात करें पानी सबसे ज्यादा पानी कैरी करती है चेनाब एंड द लास्ट वन इज की चंबा टाउन आपके राइट बैंक पे चेनाब के सिचुएटेड है

राइट right नहीं लेफ्ट बैंक पे क्या है सिचुएटेड है Hence, जो आपका लास्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है चंबा टाउन के बारे में और अगर हम चिनाब को देखें तो वो सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो सतलुज बहती है सबसे लंबी अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो एरिया ट्रैवल कवर करती है वो सतलुज है लेकिन अगर पानी में हम देखें तो सबसे ज्यादा पानी की वॉल्यूम हमें चिनाब में ही मिलती है नेक्स्ट आ गया सेवनटीन क्वेश्चन अब यहाँ बोला गया है कि नरसिंह टिब्बा जो है आपकी चंबा की एक फेमस पीक है लामा डल लेक आपकी लाहौल इन स्पीति की लेक है एंड आपका साच पास जो है वो पांगी वैली से कनेक्ट करता है और ट्रैकिंग वहां से की जाती है सो so, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट भी सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है नरसिम टिब्बा आपकी जो पीक है वो चंबा में है लामा डल लेक की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी कहां पर है चंबा में है जो आपकी डल लेक है सिर्फ डल लेक वो कांगड़ा में है लेकिन लामा डल लेक तो लामा डल लेक ये है क्या ये सेवन छोटी जो लेक्स हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं इनमें से जो सबसे बड़ी है वो आपकी आ, उसका नाम जो है लामा डल लेक है एंड अगेन ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है आर एटीन क्वेश्चन यहां पर हम एक धार की बात कर रहे हैं जिसका नाम है दागिनी या डागिनी धार इट इज अ रेंज विच शूट्स ऑफ फ्रॉम पांगी रेंज एंड द नेक्स्ट वन इज छत्र फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन चंबा एंड बधरवा ऑफ जम्मू एंड काश्मीर सो so, इसमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है सो so, यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है सेकेंड वन इज इनकरेक्ट क्योंकि आपकी ये जो दागिनी धार है यही क्या करती है यही चंबा और भदरवा के बीच में जम्मू का एरिया है भदरवा के बीच में उसमें ये बाउंड्री शेयर कर जो है बनाती हैं अगेन इसका हमें ये जो बाउंड्री शेयरिंग का है अगेन सारी चीज़ें थोड़ी सी ना कनेक्टेड होती है जैसे मैंने आपको किसी स्क्रिप्ट के बारे में बताया था अगर आपको याद हो पाबूची लिपि के बारे में या फिर अगर आपको आ, टांकरी स्क्रिप्ट याद है तो वो यहाँ पे जम्मू में भी बोली जाती है चंबा में भी बोली जाती है इससे क्या पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं एंड हैंस ये अपनी जो बाउंड्री है वो यहाँ पर शेयर करते हैं शेयर कैसे करते हैं दागिनी धार वहाँ पर है तो बेसिकली एक माउंटेन रेंज वहाँ पर है सो so, ये हमें देखने को इसमें आपके इम्पॉर्टेंट पासिस जो हैं पादरी पास या छत्तर पास है वो भी हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं यहीं से आपकी जो पांगी रेंजेस हैं वो जाती है उसी की एक ऑफ शूट जो है यहाँ पर ऐसे बाउंड्री बनाती है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया इनमें से कौन सा करेक्ट है तीन यहां पर आपके पास में स्टेटमेंट है पहला है हाथी धार पैरेलल टू साउथ ऑफ धौलाधार ये हमने कांगड़ा वाले चैप्टर में भी पढ़ा था फिर आ गया पांगी रेंज ऑफ हिमाचल इन मिड हिमालय इज कॉल्ड पीर पांजाल रेंज एंड द लास्ट वन इज नासकर रेंज डिवाइड कुल्लू फ्राम लाहौल एंड स्पीतीन वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री टू ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट सो विच वन इज दी करेक्ट आंसर तो आपके जो पहले दो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है वो बिल्कुल करेक्ट हैं जो आपका क्या है यहाँ पर आपका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रेंज जो है कुल्लू को लाहौल स्पीती से जो है यहाँ पर अगेन अलग नहीं करती ये हम हाथी धार की ही बात कर रहे हैं सो द करेक्ट आंसर इज वन एंड टू ओनली जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि आपकी जो हाथी धार है वो धौलाधार के पैरेलल यहाँ पर रन करती है और कांगड़ा और चंबा के बीच में बाउंड्री बनाती है फिर हम बात करें पांगी रेंज की तो पांगी रेंज पीर पंजाल रेंज ही है जियोलॉजिस्ट इसको पीर पंजाल बोलते हैं और जो कॉमन लोग हैं वो पांगी रेंज के नाम से जानते हैं पांगी वैली सिंस वहां पर है और ये जो पांगी रेंज है ये आपका कुल्लू और लाहौल स्पीति को यहाँ पर उसको डिवाइड करती है आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर तीन स्टेटमेंट्स के दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है पहला है रावी वैली इज द एरिया बिटवीन पांगी एंड जास्कर रेंजेस नेक्स्ट कम्स ट्रैक बिटवीन हाथीदार एंड धौलाधार फॉल्स इन ब्यास वैली एंड द नेक्स्ट वन इज जो आपके धौलाधार है दे सेपरेट द देशन ऑफ ब्यास फ्रॉम रावी तो टू एंड थ्री वन थ्री ऑफ देम आर करेक्ट इसमें से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बाकी सब सही है अब इसके लिए मुझे आपको दिखाना पड़ेगा ये तो पहला स्टेटमेंट है रावी वैली इज द एरिया बिटवीन पांगी एंड जास्कर तो so, ये रावी वैली की बात नहीं हो रही है पांगी वैली और जास्कर रेंजेस के बीच में यहाँ पर आपकी रावी वैली नहीं हो सकती रावी वैली तो यहाँ है ये कौन सी वैली है ये है आपकी चेनाब वैली तो पांगी वैली और जांसकर के बीच में आई आपकी चेनाब नेक्स्ट वन जो आपके दो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर बिल्कुल क्या है करेक्ट हैं ये आपके यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया होगा सबसे पहले ये आपकी आती है आप देख सकते हो यहाँ से ये यह यहाँ पर आपकी रावी जा रही है ये आपकी चेनाब है जब भी, भी आप रिवर्स पढ़ते हो वहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है सबसे पहले कहाँ से वो एंटर करती है कहाँ से वो लीव करती है कौन कौन से उसके बीच में ट्रिब्यूटरीज उसको कहाँ पे मिलती हैं एंड द लास्ट वन इज कौन सी माउंटेन रेंजेस उसको वहाँ कहाँ पर काटती है ध्यान से देखिएगा ये आपकी सारी की सारी रिवर्स हैं और ये क्या है ये आपकी माउंटेन रेंजेस हैं तो ये अगर मैंने कहा कि धौलाधार है तो हाथीधार कहाँ पे होगी वो इसके पैरेलल जाती है तो हाथीधार ये हुई यहाँ से इसके ये पैरेलल जाती है ये आपकी पीर पंजाल आती है सिंस यहाँ पे आपकी क्या है पांगी वैली है तो इसको पांगी रेंज भी कहा जाता है और यहाँ पर बेसिकली ये आपकी ग्रेट हिमालयन रेंज यहाँ से जाती है और पीर पंजाल रेंज को क्या कहा जाता है कि वो एक्सटेंशन है आपकी जो ग्रेट हिमालयन रेंज है उसकी एक्सटेंशन है यहाँ पर आपकी शिवालिक रेंजेस हैं इसमें कौन कौन से आते हैं आप देख सकते हो इसमें आपका कांगड़ा ऊना बिलासपुर सोलन और थोड़ा सा जो है सिरमौर भी इसमें टच होता है देन वी टॉक अबाउट जानकर तो वो कम एरिया यहाँ पर कवर uh, करते हैं लाहौल एंड स्पीति एज़ वेल well एज़ किन्नौर से यहाँ पर ये यह रेंजेस पास होके जाती हैं सो so, आपके लिए मैंने बता दिया रिवर्स में और रेंजेस में क्या क्या ज़रूरी रहता है दैट इज इट फो टू डे आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल द वेरी बेस्ट आई एल सी यू द नेक्स्ट वीक